Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों का शोर है, जबकि दूसरी तरफ हमारा समाज और प्रशासन निर्दयता की सारी हदें पार कर रहा है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला पलवल का, जिसमें मृत अंजलि बंसल के माता पिता का कहना है कि हमारी बेटी की हत्या की गई है और प्रशासन इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है। मृत अंजलि बंसल के माता पिता का क्या कहना? एक माँ की गुजारिश है, पूरे देश से गुजारिश है, पीएम मोदी, मिस्टर मोदी, आपसे मेरी गुजारिश है, आप एक माँ की विनती सुनिए, नार्को टेस्ट कराइए, पॉलीग्राफ कराइए, सीबीआई इंक्वायरी बैठाइए, दूध का दूध और पानी का पानी करिए, तभी मुझे चैन मिलेगा, वरना इस माँ को कभी भी चैन नहीं मिलेगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, नार्को टेस्ट कराइए, पॉलीग्राफ, सीबीआई इंक्वायरी, मिस्टर मोदी प्लीज, बदलाव, आपने कहा बदलाव आएगा, बेटी को मारने से अगर बदलाव आता है तो मुझे ऐसा बदलाव नहीं चाहिए। कब हमारी बेटी देश में सुरक्षित होगी, कब बहू अपने ससुराल में सुरक्षित होगी, कौन सी सरकार इसकी गारंटी देगी हमें? आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और मिस्टर मोदी आपके कुछ ऐसे आपके साथी साथ के लोग हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। प्लीज ध्यान दीजिए, एक माँ की विनती को सुनिए, हमारी बेटी पुकार है कि मुझे जस्टिस चाहिए अपनी बेटी के लिए, मुझे जस्टिस चाहिए। और थाना पलवल के आईपीएस का क्या कहना? नरेंद्र जी, अभी तक अंजलि जो केस है उसमें क्या प्रोग्रेस है हरियाणा पुलिस की, क्योंकि परिजनों के तमाम आरोप हैं आपकी जांच को लेकर? नहीं, अभी 7 तारीख को जो मृतका है उनके परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और 23 दिन में जितनी भी टेक्निकल जांच है, क्योंकि मुकदमा करीब 3 महीने पहले की घटना के बेसिस पर दर्ज कराया गया है, तो फैक्ट्स को सारों को ही फाइल पर लाया जा रहा है। सर, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बावजूद पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और उसमें हॉस्पिटल की रिपोर्ट है कि भाई उसने अभी तक बॉडी अपडेट तो पलवल पुलिस को फिजा पुलिस को फिजा पुलिस उठाया, पलवल पुलिस गई नहीं गई, क्या हुआ क्या नहीं? इस मामले के अंदर जांच चल रही है, जो भी कम्युनिकेशन हुआ है हॉस्पिटल के द्वारा उसको हम फाइल पे ले रहे हैं और उससे संबंधित जो भी अगर किसी की नेग्लिजेंस भी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फैमिली वाले कह रहे हैं कि वो जो छोटा बच्चा है एक अहम गवाह है, उसको उनके पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जा रहा है, नाना नानी वगैरह से। ये छोटे बच्चे की कस्टडी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जो इश्यू है वो उनको दोनों परिवारों के बीच का मसला है। सर, उनके जो लोग उनके कुछ सीडीआर वगैरह, जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्पफुल मटेरियल आएगा वो सारा का सारा पुलिस ट्राई कर रही है। जैसे मोबाइल ही है उसका, प्राइम मटेरियल, हाँ, एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंशियरी मटेरियल विल बी अनअर्थ, कोई इसमें है नहीं, कोई भी मटेरियल है चारों जो ओर से जांच के जो भी मटेरियल हो सकते हैं वो पुलिस लेने की कोशिश कर रही है। जैसे फैमिली वालों के भी आरोप हैं कि जो आया थी उसके साथ में उनके संबंध थे नजर, उससे एक बच्चा भी है, क्या कहीं उसकी वजह से तो ये प्रकरण नहीं हुआ? नहीं, इसके बारे में ये जांच का विषय है और इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नहीं, इसके बारे में जांच का विषय है, इसके बारे में पुलिस के द्वारा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो हमने सुना था जैसे अकॉर्डिंग टू एलिगेशन कि केस पूरी हो चुकी है, क्लोज करने वाले हैं।
नहीं, अभी केस केस अभी जांच जारी है और डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी इसमें गठित कर दी गई है, तो अभी जांच जारी है। हर खबर दिल्ली। लाइक शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।